हेलो स्टूडेंट्स, फिर लेके आए हम आपके लिए एसएससी की सीरीज़, जो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी के क्रम में आपको हम इंग्लिश की क्लासेस दे रहे हैं। और ये आपका फोर्थ क्लास है, ठीक है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इंग्लिश के, देखिए उसको। और बहुत कुछ इसमें से आपको एग्ज़ाम में मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हम ये बता दें, हम आपके आगे के लिए लाए हैं डेली करंट अफेयर सीरीज़, ठीक है। करंट अफेयर आपको डेली मिलेगी, करंट अफेयर के क्लास आप देख सकते हैं, अंकुर सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक। तो करंट अफेयर जो एग्ज़ाम में भी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा, बस बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सब धीरे धीरे आपको देंगे हम, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर के भी आपको मिलेगी, आपको हम 18 तारीख से वीडियो अवेलेबल होंगी आपकी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास एसएससी सीएचएसएल की। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, हम जो आपको सीएचएसएल इंग्लिश दे रहे हैं तो इसमें है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। बताना है ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, किस में है। इसके लिए पहले सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा है सेंटेंस। सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हैड हर मदर गॉन व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कंटेस्ट वेयर बीइंग डिक्लेयर्ड, ठीक। किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है, इसको कोशिश करिए पहचानने की। देखिए इस पर आधारित हमने एक वाक्य आपको बताया भी है, एक पार्ट क्या है। सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर, सबसे पहली बात देखिए दो चीज़ें हैं, क्या है दो चीज़ें। पहली चीज़ तो यह है कि अगर डब्ल्यू एच का हमने बताया है ये रूल आपको, डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी मेंबर वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। डब्ल्यू एच के बाद फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे, बताया हमने आपको। और दैट की ज़रूरत नहीं है, दैट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट व्हेन, दैट वेयर, दैट व्हाई, ये नहीं लिखेंगे। केवल ये शब्द लिखने से अगर आपने लिए वेयर आया है तो वेयर का मतलब आप ये समझ लीजिए लिखा है कि कहाँ, बीच में वाई आया है तो उसका मतलब है कि क्यों, ठीक है। व्हाट बीच में आया तो मतलब है कि क्या, मतलब कि शामिल है। और उसके बाद पहला चीज़ तो ये है कि दैट नहीं लगेंगे डब्ल्यू एच फैमिली के साथ। दूसरी बात ये है कि डब्ल्यू एच फैमिली के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। तो क्लियर हो गया आपका, किस पार्ट में एरर है आपकी, आपकी ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में आपकी एरर है। ये सेंटेंस क्या होना चाहिए, वेयर के बाद ये हर इधर होना चाहिए और हेड इधर होना चाहिए, ठीक। तो ए पार्ट में आपकी एरर है। चलिए अगला देखेंगे कौन सा है, अगला क्या कह रहा है, अगला भी एरर का है। एरर के आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इसमें भी एरर बतानी है, ए बी सी डी किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस देखिए, पहले सेंटेंस पढ़िए। व्हेन वी वेंट टू रामगढ़, जब हम रामगढ़ गए, वी सी जब हम गए तो हम देखते हैं नहीं, जब हम गए तो हमने देखा। ये भी हम रूल आपको बता चुके हैं कि यदि वाक्य जो है हमारा पास्ट में चल रहा है तो उसकी पूरी रचना किस पर आधारित होगी, पास्ट पर ही आधारित होगी, ठीक। भूतकाल की बात है तो सारी घटनाएं भूतकाल की होंगी। तो यहाँ सी की जगह क्या होना चाहिए, सो हमने आपको बताया है। तो ऐसा किस पार्ट में है, ऐसा आपका बी पार्ट में है, ये है आपका, ये गलती है, वी सी नहीं वी सौ होना चाहिए। अगला देखेंगे, इसमें बताइए, आप बताइए इसमें क्या गलती है, ये जो ये पार्ट है इसमें क्या गलती है। व्हेन वी अराइव्ड एट झांसी स्टेशन वी आर कीपिंग आवर लगेजेज इन द क्लॉक रूम, झांसी स्टेशन पहुँचे तो हमने रखा अपना सामान वहाँ क्लॉक रूम में, तो क्या होगा, जब हम झांसी पहुँचे तो हमने अपना सामान रख रहे हैं। ये इसमें वी सेंटेंस संबंधी वही बताया ना, ये पास्ट की घटना होनी चाहिए। देखिए वी आर कीपिंग लिखा, जब हम पहुँचे ये तो पास्ट की है, और ए आर कहाँ से आ गया, क्या होना चाहिए, वी कैप्ट होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, वी होना चाहिए और कैप्ट के ई पी टी सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, ठीक। जब ये अराइव्ड है तो जस्ट सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, क्या होगा आपका, कैप्ट आवर लगेज, ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा।
देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी दो बात है। पहली बात तो ये कि लगेजेज नहीं होगा, इसमें भी दो एरर हैं। पहली एरर क्या है कि आपको पास्ट में बदलना है, कैप्ट लिखना है। क्या लिखना है? कैप्ट। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, लगेजेज ये है ना, ये जो लगेज है ये सा LUGGAGE, इसमें एस नहीं ऐड करना है। लगेज लिख दीजिए, इतना बहुत है। इस लगेज को प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है? लगेज ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। हाँ, अर्थ रहे है भाई, लगेज कई हो, कई सामान एक लगेज हैं तब भी लगेज रहेगा, एक लगेज जैसे सामान है उसको कहेंगे, ठीक है? सीधी बात है, ये है कि लगेज को में एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक? तो दोनों इरर, दो इरर है इसमें, ठीक? याद रखिएगा, लगेज अगर लगेजेज हो तो आप लगेज करेंगे, ठीक? अगला देखेंगे हम। अगला इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंस देखिए। व्हेन आई मेट द कपल यस्टरडे आई नोटिस दैट द वाइफ वाज मोर टॉलर देन हर हस्बैंड, वाज मोर टॉलर देन हर हस्बैंड। बताइए, इस जो हमने अंडरलाइन किया है इसी में एरर है। अब तक समझ गए होंगे आप, टाल के साथ हम मोर नहीं लगाएंगे, टालर के साथ मोर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन एडजेक्टिव शब्दों का ई आर से बन जाता है उसमें मोर का प्रयोग नहीं होता है। दो सिलेबल के जो वर्ड होते हैं उनके साथ हम ई आर का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल हैं? ब्यूटीफुल, तीन हो गए, तो अब इसमें लगेगा मोर सिलेबल, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है? तो टॉलर के साथ आप मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी इजी है। अब अगले में क्या किया है, अगला क्या कह रहा है? अगला हमारा वाक्य कह रहा है कि आपको उपयुक्त शब्द सुनना चुनना है। यहाँ पर ये जो अंडरलाइन है, यहाँ पर कौन सा शब्द भरा जाएगा? ए बेबी सीटर इज समबडी हु लुक्स अदर पीपल्स चिल्ड्रन। एक बेबी सीटर वो है, उसको कहते हैं जो देखता है लोगों के बच्चों को, जो लोगों के बच्चों को देखता है उसको क्या कहते हैं? देख, इंग्लिश में शब्द है, मालूम भी होगा शायद आपको, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो लुक्स के बाद आएगा आपका क्या शब्द आएगा यहाँ पर? आपका लुक्स के बाद आएगा आफ्टर। लुक्स आफ्टर किस पे है? डी पे है। लुक्स आफ्टर देखभाल करना, ठीक? देखभाल करना लुक्स आफ्टर। चलिए दूसरा देखेंगे हम। ये क्या कह रहा है? ये सेंटेंस है, इसमें आपको चुनना है ये जो है रिवर के पहले, रिवर के पहले ये स्पेस है। रिवर्स हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, ऐसी नदियाँ पूरे वर्ष पानी से भरी होती हैं। तो कैसी नदियाँ होती हैं? पानी से भरी रहने वाली। क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घकालिक। क्या होता है? क्रोनिक, क्रोनिकल, क्रोनिकल डिजीज होता है ना, जो लंबे समय से चल रही हो, दीर्घकालिक क्रोनिक। सीजनल का मतलब हो जाए मौसमी। इफ्यूमिरल, इफ्यूमिरल का अर्थ क्या होता, क्या होता है? जो तुरंत नष्ट हो जाए। ह्यूमन लाइफ इज इफ्यूमिरल। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट, देख लीजिए, हम बार बार इसलिए बोलते हैं याद हो जाए। इफ्यूमिरल हो सकता है सिनोनिम आपको दे दें। इफ्यूमिरल माने होता है दैट डिकेज वेरी सून, जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाए। ह्यूमन लाइफ है, मानव है, ह्यूमन बॉडी इज इफ्यूमिरल, दिस लाइफ इज इफ्यूमिरल। ये क्षण भंगुर है, ये जीवन कैसा है, हमारा जीवन मानव का कैसा है, ये अस्थाई है। हम लोग का जीवन अस्थाई है, क्षण भंगुर है, तो इसको क्या कहेंगे? इफ्यूमिरल, इफ्यूमिरल, ठीक? नोट कर लीजिएगा। और क्या है? पेरिनियल, नोट कर लीजिए, पेरिनियल को नोट कर लीजिए। ये वर्ड अच्छे अच्छे बताते हैं परीक्षा में, यही सब पूछे जाते हैं, और कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है? पेरिनियल का मतलब, पेरिनियल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स चिरस्थाई, सदाबहार, हैं, चिरस्थाई, क्षणभंगुर का अपोजिट है चिरस्थाई। तो ये दोनों आपस में विलोम हैं, और पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब हो जाएगा सदाबहार, स्थाई। सोल इज पेरिनियल, आत्मा स्थाई है, ठीक है?
तो पेरिनियल यहाँ भरेंगे, पेरिनियल रिवर्स मतलब स्थायी नदियाँ, सदाबहार नदियाँ, साल भर पानी रहता है। चलिए अगला देखें, एक शब्द सेंटेंस से कई वर्ड सिखा रहे हैं आपको। इसमें क्या है, पैसिव वॉइस है, इसमें क्या है पैसिव वॉइस बताइए। देखिए कौन सा सेंटेंस है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, सेंटेंस आया नहीं। द डिटेक्टिव लिखा है, द डिटेक्टिव फाउंड द लॉस्ट नेकलेस, इसका पैसिव वॉइस बताना है। किसका बताना है, द डिटेक्टिव फाउंड द लॉस्ट नेकलेस। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। देखिए तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द लॉस्ट नेकलेस, किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट, टिवाज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और किसके द्वारा, बाय द डिटेक्टिव। ठीक, सिंपल है। पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखा, सेंटेंस के अनुसार आपने वाज वेयर लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय लगाया और सब्जेक्ट लगाया, आपका पैसिव वॉइस बन गया। चलिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द टू द गिवन सेंटेंस। इसमें पैसिव वॉइस देना है, एट नाइट लॉक द आउटर गेट, रात में बाहर का गेट ताला लगाइए। ठीक, इसको बताना है। तो इसमें क्या होगा, ये नहीं होगा, इज रिक्वेस्टेड टू टू बी लॉक्ड, ये नहीं, कोई अर्थ नहीं आ रहा है इसमें। लेट से शुरू करते हैं, ऐसे वाक्यों को किससे बनाते हैं, लेट से। तो लेट आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएंगे, फिर एट नाइट लिखेंगे। ठीक है, बाय यू की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी सही हुए हैं। तो आदेशात्मक वाक्यों का इम्परेटिव सेंटेंस को हम लिखते हैं, पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस लिखते हैं बी, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी, फिर थर्ड फॉर्म। ठीक, इस तरह से आपने किए भी होंगे। तो अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, चूज द ऑप्शन दैट इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ये इनडायरेक्ट आपको दिया है, इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगी, आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, आई सेड टू देम बी यू क्वाइट नहीं होगा, यू मस्ट बी भी नहीं होगा, और यू बी क्वाइट नहीं होगा। शुरुआत में आपको वर्ब देने चाहिए ना, तो बी क्वाइट होगा। इम्परेटिव वाक्यों में बी यू जो है यू का प्रयोग नहीं करते हैं, आई टोल्ड देम बी क्वाइट, क्या होगा, ये होगा डायरेक्ट फॉर्म, यही होगा, पहले वर्ब है उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। अगला देखेंगे, नोट कर लीजिए, सिनोनिम एंटोनिम्स जो बता रहे हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। डेटोरिएट आया है एक वर्ड, DETERIORATE, डेटोरिएट मतलब क्या होता है, चारों वर्ड्स के मतलब हम आपको बता देते हैं ताकि कोई मतलब इससे संबंधित शब्द आपके एग्जाम में आ जाए। डेटोरिएट का मतलब होता है खराब होना, बिगड़ना, नष्ट होना है। उस हिज हेल्थ इज डेटोरिएटिंग, मतलब उसका स्वास्थ्य जो है बराबर खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ठीक है, सेहत खराब होना, कोई चीज़ खराब होना, नष्ट होना, बिगड़ जाना, उसके लिए डेटोरिएट कहेंगे। इसका सिनोनिम बताना है, क्या होगा, होगा वर्सन, खराब होना। इन लिविन का मतलब हो जाएगा कि सजीव करना, लिव होता है, लिव का है इन लिविन, जिंदा करना, सजीव करना, उत्तेजित करना, ये चीज़ होगा। स्प्रिट भरना, उत्साह देना, ये चीज़ होगा। इम्प्रूव सुधारना, फास्टन मतलब वही है, जकड़ना, बांधना किसी चीज को। तो डिटोरिएट का क्या हो जाएगा, वर्सन। अगला देखिए, अगला है, हो सकता है आपने ना सुना हो, क्यूटीडियन। क्यूटीडियन थोड़ा सा टफ वर्ड है, हो सकता है ना सुना हो, इसका मतलब होता है क्यूटीडियन का साधारण, क्या होता है, साधारण। साधारण को सिनोनिम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी। अनश्योर अनिश्चित हो जाएगा। रिप्रीमांड, रिप्रीमांड मतलब होता है डांटना, रिप्रीमांड मीन्स चाइड करना,
एडमोनिश करना। एडमोनिश एडमोनिश भी होता है डांटना, हमने बताया भी है आपको, मनीष सर डांटते हैं तो एडमोनिश, रिप्रीमांड है। अच्छा ये एक, इसको भी देख लीजिए क्या इसका अर्थ, ये है आपका क्यूरी, क्यूरी है सवाल, प्रश्न, ठीक है, क्यूरी है आपकी, कोई क्यूरी है तो क्यूटिडेशन का मतलब हो जाएगा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है, एंटोनिम कैसे बताएंगे हम, डिप्रीडेशन, डिप्रीडेशन का क्या मतलब होता है, डिप्रीडेशन का मतलब होता है विध्वंस, नष्ट, विनाश, नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। हमारा तो यही कामना रहती है ईश्वर से जो हम शब्द फंसाएँ बतावा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ, ठीक है, इसी समझाने का प्रयास करते हैं आपको। डिप्रीडेशन, डिप्रीडेशन मीन्स होता है विनाश, विध्वंस, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा निर्माण, विध्वंस का निर्माण, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, ये भी देख लीजिए। पिलेज किसे कहते हैं, पिलेज मतलब कहते हैं हम लूटमार, लूटमार करना है ना, तमाम आए थे लूटमार करने वाले भारत, तो पिलेज उनके लिए होगा लूटमार करना। प्लंडर, प्लंडर का मतलब होता है लूट का सामान, ठीक, ये भी लूट से संबंधित है प्लंडर। और डिवेस्टेशन, डिवेस्टेशन क्या होगा, डिवेस्टेशन माने भी हो जाएगा इस, ये डिवेस्टेशन डिप्रीडेशन का सिनोनिम है, इसका मतलब हो जाएगा तबाही, तबाही मच गई बिल्कुल, ठीक है, लैंडस्लाइड से, डिवेस्टेशन, डिवेस्टेशन है तबाही, डिप्रीडेशन इसका मतलब विनाश। और क्या है, निबुलस आ गया, निबुलस, निबुलस, निबुलस कैसे याद करेंगे, कई भर्ती परीक्षाओं में आ चुका है निबुलस, निबुलस मतलब धुंधला होता है, धुंधला, ठीक है, या कोई चीज़ हमको अस्पष्ट नज़र आए, क्या नज़र आए, अस्पष्ट, इसको कहेंगे निबुलस, ठीक है। तो निबुलस, निबुलस, अब इसको ना याद हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नींबू का रस, नींबू रस, नींबू का रस, नींबू का रस आँख में पड़ गया तो धुंधला दिखने लगा, ठीक, अगर ना याद हो तो इसको ट्रिक से याद कर लें, नींबूलस, नींबू का रस आँख में पड़ गया धुंधला नज़र आने लगा, ठीक। तो धुंधला का साफ क्या होगा, बहुत सरल हो गया, आप तो क्लियर हो गया है। बाकी ये फैमिली माने परिचित, म्यूचुअल माने पारस्परिक, कॉमन माने जो सब में शामिल हो, साधारण। रॉन्गली स्पेल्ड बताना है, कौन सा गलत लिखा हुआ है इसमें, कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है ये बताना है अब आपको। तो इसमें जो गलत स्पेलिंग है आपकी हो जाएगी, बहुत स्टूडेंट्स ये पूछा जाता है वर्ड्स, परजर्वरेंस, परजर्वरेंस मतलब पढ़ाई में या कोई चीज़ में निरंतरता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कछुआ खरगोश वाली कहानी आज भी सही है कि मतलब कोई काम करें आप निरंतरता करें और दृढ़ता से करें, तो ये परजर्वरेंस का मतलब हो जाएगा निरंतरता और दृढ़ता, लेकिन स्पेलिंग गलत है इसमें। सही स्पेलिंग क्या है, सही स्पेलिंग देखिए ये है, पी पर जर पर जे वरेंस है, पर जे वी ई आर ए एन सी ई, ये परजर्वरेंस, परजेवरेंस, ये है स्पेलिंग सही आपकी, ठीक है। स्पेलिंग एक बार फिर देख लीजिए, परीक्षा में आती है, पी ई आर एस ई वी ई आर ए एन सी ई, ठीक है, निरंतरता, ये सही है, ये आपकी, ये जो लिखी है ये रॉन्ग लिखी है, बाकी ये सब सही है, ठीक। इल्यूमिनेशन माने प्रकाश होता है, हॉलिसिनेशन का मतलब होता है भ्रमक, जो चीज़ भ्रम पैदा करती हो, पॉलिटिशियन तो मालूम होगा, तो ये नोट कर लीजिए, कई भर्ती परीक्षाओं में आ चुकी है, फिर से हम बोल रहे हैं, पर पी ई आर एस ई वी ई आर ए एन सी ई, ठीक। चलिए अगला क्या है, इनकरेक्टली कौन सा लिखा हुआ है इसमें बताना है, कौन सा गलत लिखा हुआ, तो पजेशन सही लिखा है, प्रोबेबल सही लिखा है, इंटीमेशन ये भी सही लिखा है, तो गलत कौन सा लिखा है, गलत आपका है ये, आपका ए है गलत, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, एक्चुअली में गलत लिखी है, क्या होगी, डिस क्री मी
नेशन, ठीक है। मिसस्पेल्ड के जो वर्ड्स होते हैं बहुत मीनिंग संबंधी गलती होती है, आप अगर दो चार बार पांच बार लिखेंगे तो अपने आप यही एक ऐसा पोर्शन है जो आप आराम से सही कर लेंगे। इंग्लिश में मिसस्पेल्ड वाला पोर्शन है, दो चार पांच बार पढ़ेंगे उसको देखेंगे तो मीनिंग चाहे ना आपको याद हो लेकिन आपकी स्पेलिंग जो है लिखने में गलती नहीं होगी, ठीक है। मिसस्पेल्ड बहुत टफ़ नहीं होते हैं, बस लिखने की बात है, प्रैक्टिस कर लीजिए। डिस डी आई से स्पेलिंग बोले दे रहे हैं हम, डी आई एस डिस सी आर आई क्री एम आई एन ए टी आई ओ एन। चलिए अगला देखें, इसमें क्या है, इसमें है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ए सिचुएशन रिक्वायरिंग ए चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजरेबल अल्टरनेटिव और कन्फ्यूजन। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर समझ में ना आए कि क्या करना है उसको क्या करेंगे। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स ये है कि क्या है, ये मिसस्पेल्ड का वर्ड है, इसको नोट कर लीजिए, आंसर भी यही है। ऐसी स्थिति जहाँ समझ में ना आए क्या करेंगे, तो ये आती है मिसस्पेल्ड में। एक्चुअली में डबल एम है, परीक्षा में डबल ए दे देंगे, बहुत फेवरेट वर्ड है। परजर्वेंस है, डिलेमा है, और जो तीन जिसमें शब्द जो आ रहे हैं नेबुलस है, ये वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। डिलेमा मतलब दुविधा होती है, हम डिलेमा में हैं, क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा है, दोनों परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इधर से भी लॉस है उधर से भी लॉस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जहाँ दुविधा की स्थिति, मतलब सीधे ही बात इसका अर्थ अगर कहना हो तो दुविधा कहेंगे, शुद्ध हिंदी में कहना हो। अगला क्या है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स सरल है, पुट द कार्ट मतलब बैलगाड़ी को बिफोर द हॉर्स, घोड़े से पहले गाड़ी रखना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सरल है, घोड़े से पहले गाड़ी रखना। टू डू लास्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पीछे की चीज़ को आगे करना। इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है आपका कैट्स विस्कर्स, बिल्ली की गलमुच्छें, विस्कर्स माने गलमुच्छें, तो बिल्ली की गलमुच्छें का क्या हो जाएगा एडियम का अर्थ, ये थोड़ा सा ये आपको याद करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा टू बी हाईली इम्प्रेसिव, बहुत अधिक प्रभावशाली होना, टू बी हाईली इम्प्रेसिव अत्यधिक प्रभावित, अत्यधिक प्रभावित, हाँ ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सकता हो सकता है दे दें। चलिए और क्या है, अब ये आ गया आपका जो वर्ड है, क्वेश्चन है, अब रीअरेंजमेंट आया है, ये अरेंजमेंट कैसे होगा, हम आपको ट्रिक भी बता चुके हैं इसकी, ए बी सी डी। अब 15 सेकंड 30 सेकंड लीजिए, बताइए कैसे सेट करेंगे, इसमें एक आंसर सही क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। रीअरेंजमेंट वाले सेंटेंस सरल होते हैं, थोड़ा सा माइंड की ज़रूरत लगाने की, बस इसमें सही क्रम बताइए। देखिए ऐसा जब स्थिति हो, हम बता भी चुके हैं आपको, तो क्या आप पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन से हमारे, हमारे पास ऑप्शन कौन है, हमारे पास है बी से शुरू है, फिर सी से शुरू है, फिर सी से दो शुरू है, ठीक है स्टार्टिंग, फिर डी है, तो इसका मतलब ज़्यादा संभावना अधिकतर इसकी है कि वाक्य की स्टार्टिंग सी से हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा संभावना इस चीज़ की है, ज़रूरी नहीं है ये, तो सी से स्टार्ट करके देखिएगा, पहले देखेंगे, ए ए लिख दिया है सो, कंजंक्शन से शुरुआत है सो, सो से किसी वाक्य की शुरुआत हो सकती है आप ये बताइए, तो ए वाला तो है नहीं। बी क्या है, बी है एट, बिल्कुल नहीं होगी, वाक्य की का जो स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है वो शुरू होगा आपका किससे, नाउन से, इट प्रोनाउन है, इट तो भी नहीं हो, ठीक। अब कौन सा है, अब वन ऑफ द थिंग्स से शुरू है और आई से शुरू है, ठीक है, आई से भी मतलब अगर नाउन नहीं है कोई तो प्रोनाउन से शुरू हो सकता है, ठीक है, तो संभावना थोड़ी है, कम है, प्रोनाउन से शुरू हो सकता है, कम संभावना है, ठीक। तो अब देखेंगे सी क्या कह रहा है, वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड, एक ही चीज़ मैंने जो वास्तव में जिसको हम याद करते हैं, वेन आई सेट अप होम इन मैरीलैंड, जब हम मैरीलैंड में रहने लगते हैं, वाज ए रेस्टोरेंट दैट सर्व्ड ऑथेंटिक इंडियन फूड, तो हम
वहाँ मिस करते हैं, वहाँ का जो फूड था, वो इंडियन फूड जो दिया जाता था, उस चीज़ को हम मिस करते हैं। ठीक है, और ये तो सी है, ठीक है, सी, ठीक है, सी से स्टार्टिंग वाक्य लग रहा है। सी के बाद क्या है, बी होगा कि ए होगा। लेखक है वो याद कर रहा है उस फूड को जो उसको दिया जाता था, भारतीय मतलब बहुत बेहतरीन फूड जो मिलता था उसको मेरीलैंड में। तो सी के बाद आपका बी होगा कि ए होगा, इतना देखना है बस। ए सेंटेंस क्या कह रहा है, सो आई हैड थॉट ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट। इसीलिए लेखक कह रहा है कि इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इंडियन रेस्टोरेंट डालूंगा, देयर विद माई वाइफ सपोर्ट, मैं पत्नी के सहयोग से वहाँ एक रेस्टोरेंट डालूंगा। क्यों? क्योंकि उस फूड को वहाँ जो उसको मिला उसको बहुत वो पसंद था। तो सी के बाद ए देखिए बेस्ट ऑप्शन आ रहा है। बी के बी क्या कह रहा है, इट टुक अस 2 मंथ टू रीडिज़ाइन द प्लेस टू सूट अवर नीड। इसने 2 महीने लिए हमको इस चीज़ को डिजाइन करने में। नहीं, सी के बाद आपका जो आ रहा है वो बेस्ट ऑप्शन क्या है, ए। भाई उसको लगा कि भोजन वहाँ का बहुत अच्छा था, तो उसने प्लान किया, क्या प्लान किया कि वो अपनी पत्नी के सहयोग से एक रेस्टोरेंट डालेगा वहाँ। तो सी के बाद ए है, किस ऑप्शन में है आपका, ये ऐसे हो गया आपका। ठीक है, ये ऑप्शन होगा CADB, CADB। इसमें ABCD थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आंसर आपका यही है। चलिए अब क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एक इरर का है मेरे ख्याल से। हाँ, तो नो मैटर, इसमें बताना है किसमें गलती है आपको, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई, यहाँ पे 3 होना चाहिए। नो मैटर व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स, कोई बात नहीं है कि अशोका ने जो काम किया अपने शुरुआती दिनों में, इन द एंडिंग ही प्रूव्ड टू बी अनकॉमनली वर्चुअस एंड वाइज, जो भी काम किए उससे पता चलता है कि वो बहुत गुणी ज्ञान और बुद्धिमानी था। तो इन 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 द एंडिंग ही प्रूव्ड, इन द एंडिंग कहाँ होता है, इन द एंड होता है, यही मिस्टेक लग रही है। इन द एंडिंग किस पार्ट में है, 2, इन द एंडिंग कहाँ होता है, इन द एंड ही प्रूव्ड, अंत में वो असाधारण रूप से दानी और गुणी साबित हुआ। ठीक है, तो इजी है। अगला देखिए, अब एक कॉम्प्रिहेंशन आ गया, इसमें आपको क्लोज टेस्ट एग्ज़ाम में मिलेगा, क्लोज टेस्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, आर्ट इज़ द यूज़ ऑफ स्किल एंड इमेजिनेशन, आर्ट इज़ द यूज़ ऑफ, आर्ट कला का प्रयोग किस चीज़ में है, कला का प्रयोग किस चीज़ में है, ए क्रिएटिव, क्रिएटिव स्किल है मैं। ठीक है, तो पहले हम भरेंगे क्या, हम क्रिएटिव भरेंगे, और इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग दैट ब्यूटीफुल और इमोशनली, दूसरे में क्या भरा जाएगा आपका, भरेंगे हम कंफर्टिंग, और तीसरे में स्टूडेंट 23वें में भरेंगे, 23वें में आपका क्या होगा, 23वें में होगा आपका डिग हो जाएगा। और चौथे में या 24वें में भरेंगे हम क्या, 24वें में भरेंगे हम पार्टिकुलरली, और 25 का हो जाएगा आपका डी, क्या 25 का डी हो जाएगा आपका, लास्ट का हो जाएगा इमेजिनेशन। ठीक है, क्लोज टेस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना क्वेश्चंस, तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती बताने में भी। चलिए, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस अलग से करा देंगे स्टूडेंट। तो चलिए, आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, और जो हमारी सीरीज शुरू होने वाली है, कौन सी, डेली करेंट अफेयर, हमने बताया था आपको, फिर से डेली करेंट अफेयर की सीरीज़ को देखिए अंकुर सर के द्वारा। इसमें क्वेश्चन जो हैं आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेंगे, करंट अफेयर तो जानी नहीं कहीं से। ठीक है, तो इस पर विशेष तैयारी करिए, और हम देते रहेंगे वीडियो आपको CHSL इंग्लिश का। हमारे वीडियो को स्टूडेंट्स शेयर ज़रूर करिए, आपके काम का नहीं तो हो सकता कोई और बच्चा तैयारी कर रहा हो उसके काम का है, सेंड कर दीजिए उसको, क्या है सेंड करने में। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर जरूर करिए। नमस्कार।